हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकिन तो मेरा नाम है इफ्रा। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, हॉल शेयर करती हूँ एंड ऑल। और जो लोग पहले से ही मुझे जानते हैं, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। तो आज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समथिंग अमेजिंग, जो मुझे बहुत प्रिशियस है ये चीज़। तो मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी टीचिंग के रिलेटेड। मुझे कुछ प्रीशियस लेटर्स जो मिले हैं टीचिंग के रिलेटेड। मैं टीचिंग करती थी पहले, अभी नहीं करती हूँ मैं टीचिंग, तो मैं उसी के रिलेटेड मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये मेरे लिए बहुत ही खास है, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट टीचिंग टाइम था। और मुझे बहुत बोलते ना, बहुत ही खास है जो बच्चों ने मुझे दिया था। इट वॉज गिवन ऑन मी टीचर्स डे पे, उन्होंने मुझे दिया था, काफ़ी कुछ दिया था, पर मैंने ये बहुत संभाल के रखा है। तो ये मैंने एक बैग में रखा है, सो आई विल गोना शेयर विथ यू वन बाय वन। तो मैं लास्टली कुछ मैं क्लीन कर रही थी, कुछ चीज़ें सेग्रीगेट कर रही थी जो मुझे चाहिए नहीं चाहिए। तो उसमें मुझे मेरे टीचिंग के लेटर्स मिले एंड ऑल। जो बोलते ना फीलिंग्स होती है, वो मुझे वापस से रिकॉल हो गई। यार आई वाज डूइंग टीचिंग एंड आई वाज जस्ट थोड़ा बहुत एंजॉय कर रही थी, नॉट दैट मच, बिकॉज उतना मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। और मैं गर्ल्स स्कूल में थी, मैं बता रही थी, मैं टीचिंग गर्ल्स स्कूल में करती थी। बेसिकली मैं फिफ्थ एंड सिक्स स्टैंडर्ड को पढ़ाती थी। आई वॉज टीचिंग फिफ्थ एंड सिक्स स्टैंडर्ड, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी तक संभाल कर रही हूँ, मैं रखना चाहती हूँ, पर देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे इसके लिए। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा ना, सब्सक्राइब कर दीजिए ना मेरे चैनल को। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसे क्लिक कर दीजिए ना। आप लोग वीडियोस तो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लो। एंड प्लस बाजू में जो बेल आइकन है, उसे भी हिट कर देना, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस आप मिस ना कर सके। और नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं ये जो मैं अलग रख देती हूँ, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू मेरी स्कूल टाइम के टाइम पे। तो ये जो मिले हैं, तो मुझे सिर्फ लेटर्स ही नहीं मिले थे, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने वहाँ पे टीचिंग टीचर्स डे के टाइम पे उन्होंने मुझे स्कार्फ दिया था, कुछ ने मुझे इयररिंग्स दिया था, कुछ नॉर्मली मुझे रोजेस भी दिए थे। तो इट वाज सो प्रेशियस टू मी। अगर वो स्टूडेंट में से कोई भी अगर जो मेरा वीडियो देख रहा है, तो यार थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। बहुत अच्छा टाइम था। और कुछ चीज़ों ने मुझे, एक तो स्टूडेंट थी, वो डायरेक्ट पेस्ट्री लेके आई थी मेरे लिए कि मैम नहीं आपके लिए अच्छा है, आप स्वीट हो तो आप स्वीट खाइएगा, तो उसने मुझे ऐसा बोला था। तो दैट वाज अ गुड थिंग। तो फर्स्ट जो लेटर है वो है खान सूफिया की तरफ से टू मिस, दे कॉल मी मिस। तो उसने मुझे दो लेटर दिए थे, थैंक यू टीचर, दिस वन स्मॉल सा लेटर, ग्रीटिंग कार्ड है एंड इट वॉज सो प्रीशियस, तो मैं बता ही नहीं सकती। आई कॉन्ट एक्सप्रेस माई फीलिंग ऑन वीडियो। अगर जब मैं वो मोमेंट, अभी अगर जब मैं यूट्यूब करती होती, तो ऑब्वियसली मैं वो मोमेंट भी कैप्चर कर लेती थी, बट डेट वॉज द गुडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ कि मुझे फर्स्ट टीचर्स डे पे मेरे बच्चों ने इतना सारा अच्छा दिया। तो उसने मुझे दो ग्रीटिंग्स दिए थे टीचर्स डे पे एंड आई लाइक इट। मैंने अभी तक संभाल के रखे हैं। लोग मतलब कोई कोई रख देता है, कोई कोई फेंक देता है, तो फिर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टीचिंग, पहली बार मैं टीचिंग कर रही थी एंड मुझे स्टूडेंट्स ने दिया था। तो दिस इज़ द सेकेंड लेटर, ये मुझे माहीन ने दिया था, ये मेरे सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स लोगों ने दिए थे। इट वॉज माहीन एंड ऑनेस्टली डियर टीचर, लर्निंग फ्रॉम यू हैज़ ऑलवेज बीन सो मच फन। एवरी डे यू टीच मी अबाउट द वंडरफुल वर्ल्ड एंड ऑल द थिंग्स बिग एंड स्मॉल। सो ऑन योर स्पेशल डे अ बिग थैंक यू फॉर फिलिंग माई लाइफ विद वंडर एंड फन। अडोर यू टीचर, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। और कुछ लोगों ने तो हैंडमेड भी बना के दिया था। तो दिस इज़ दी, ये मुझे आयशा शेख ने दिया है, ये उसने हैंडमेड मतलब लिखा हुआ हैंडमेड है ऊपर से, इट वॉज सो क्यूट ना। एंड फॉर अ टीचर हु इज़ स्पेशल इन ईच एंड एवरी वे, मैं वहाँ पे मैथ्स और साइंस पढ़ाती थी, बिकॉज मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और साइंस मुझे लेना पड़ा वहाँ पे, एंड इंटरेस्ट होता था, या बहुत अच्छा इंटरेस्ट था मेरे को साइंस पढ़ाने में, बहुत अच्छा लगा था। तो इसने भी मुझे कुछ क्यूट सा छोटा सा ग्रीटिंग दिया है। मैंने ये निकाले थे बिकॉज आई डोंट नो मैं ये अपने साथ रखूँगी नहीं रखूँगी आगे के लिए, तो मैं बस
रिकॉल कर रही हूँ मेरे वो सब दिन। तो अगेन मुझे ये जो दिया है फ्रॉम शेक आयशा, ओके दिस इज़ आयशा एंड दिस इज़ आयशा, द बोथ एक्चुअली दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है एंड प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है। तो ये इसने मुझे दिया था छोटा सा, एंड छोटी छोटी ग्रीटिंग कार्ड्स मैं जब स्कूल टाइम पे थी ना तो मैं देती थी सबको, मेरे सिस्टर्स इन लोग को बर्थडे पे एंड ऑल, बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो दिस इज़ दी अनदर, इसने भी मुझे दो लेटर्स दो ग्रीटिंग्स दिए थे सेम। आई लव दी ग्रीटिंग्स यार, मतलब तभी से मुझे कभी किसी ने ग्रीटिंग्स नहीं दिया पर मुझे स्कूल टाइम में मिल गया था, आई जस्ट लव दैट। तो उसने भी मुझे ये छोटा सा ग्रीटिंग दिया था एंड आई लव दिस ग्रीटिंग। द अनदर ग्रीटिंग है वो आई डोंट नो, नाम नहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये भी मुझे किसी स्टूडेंट ने ही दिया था, सिक्स स्टैंडर्ड की स्टूडेंट ने ही दिया था, बिकॉज देर इज़ द सेम ग्रीटिंग जो मुझे यह। और दिस इज़ दी हैंडमेड लेटर, हैप्पी टीचर्स डे। यार बच्चे लोग इतना अच्छा अच्छा हैंडमेड, मतलब इतनी मेहनत डाल देते हैं उस चीज़ में कि यार वो ऐसे देख के लगते हैं हाउ क्यूट इट इज़ एंड आई लव इट। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई थी तभी लेने के लिए। तो ये मुझे दिया था फिफ्थ ए की स्टूडेंट ने, खान आनम फिरोज शुमाइला। मैं बता देना चाहती हूँ कि शुमाइला भी मेरी जो भांजी है वो भी उसी स्कूल में थी। अगर आनम आपको मिले स्कूल कॉलेज में या फिर कुछ भी आप उसके कांटेक्ट में हो तो प्लीज़ उसे कहना कि फ्रॉम इसने से याद किया है। सो इट वाज इज़ अ क्यूट लिटिल हैंडमेड लेटर, तो मुझे बहुत पसंद है। और मैं अंदर पढ़ा हुआ भी आपको बता देंगे उसने क्या लिखा था। हैप्पी टीचर्स डे, द जॉय ऑफ लर्निंग केम फ्रॉम यू, फ्रॉम यू फॉर मेक थिंग्स सिंपल एंड वंडरफुल टू नो। बिकॉज मैं उन लोगों को मैथ्स पढ़ाती थी ज़्यादा, तो फिफ्थ स्टैंडर्ड लोगों को मैं मैथ्स पढ़ाती थी, तो मैं ना थोड़ा ईजी टेक्निक्स ढूंढती थी यार बच्चों को, थोड़ा मतलब एकदम भी हार्ड टेक्निक्स नहीं चाहिए, जितना ईजी रहेगा उनको सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा और थोड़ा बहुत दिमाग में भी जल्दी बैठ जाता। तो मैं उसी हिसाब से ईजी वे से पढ़ाती थी। तो थैंक यू, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगा मुझे उन्होंने जो लिखा है वो। एंड द सेकेंड ग्रीटिंग इज दिस वन, या और ये मुझे दिया है आफरीन नाज मोहम्मद समीर काजी, या काफ़ी लंबा नाम है आफरीन नाज। तो ये भी मुझे फिफ्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने ही दिया है एंड मैं आपको बता रही थी ये भी हैंड रिटन ही है अंदर से। सो हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू, थैंक गॉड फॉर गिविंग यू, सॉरी, Happy Teachers Day, thank God for giving you us love. Happy Teachers Day to all the teachers, you and to all the teachers. Just one second, मैं ना इसने काफ़ी थोड़ा बहुत मेसअप कर दिया है लिखने में। Happy Teachers Day, Happy Teachers Day to all the teachers, teachers, you all teachers, us everything, thanks for that and I am very lucky to get like a teacher, thank God, thank you Afreen, I love the letter। और बहुत सारी memories है मेरी teaching की। So ये simple सा basic सा छोटा सा यहाँ पर जो था वो है मेरे पास रखा हुआ पर है वो निकल गया उसका glue। Happy Teachers Day from Mahar, yeah from Mahar, it's Mahar, you are very nice टीचर, थैंक यू सो मच। इन्होंने ऐसा लिखा है कि यू आर अ वेरी नाइस टीचर, सो ऑब्वियसली आई अप्रिशिएट। फ्रॉम आलिया टू मिस इफ्रा, दिस वन मेरी स्पेलिंग रॉन्ग है बिकॉज दे डोंट नो माई स्पेलिंग, उन लोगों को मेरी स्पेलिंग नहीं मालूम थी, बस इतना मालूम था कि मेरा नाम इफ्रा है। तो उसने लिखा है रोजेज आर रेड क्लाउड्स आर ब्लू, टीचर लाइक यू आर वेरी फ्यू, ओ सो स्वीट, थैंक यू। और ये बेसिकली रोजेज आर रेड एंड समथिंग, वो कुछ था शायरी थी वैसे कुछ बनाते थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, तो वो था। और यहाँ पर दो स्माइलीज लगाई हुई है एंड यहाँ पर पूरा ना टीचर का उसने फुल ये लिखा है और फुल फॉर्म्स लिखे हैं। या मुझे थोड़ा ना बहुत खुशी हो रही है कि मैं ये शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, बिकॉज दिस इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेमोरी जो मेरी लाइफ में अच्छी हुई है। टैलेंट, टी फॉर टैलेंट, ई फॉर एलिगेंट, ए फॉर एडमायर, सी फॉर कैरिंग, एच फॉर हार्ड वर्किंग, ई फॉर एम्फोसाइज एंड आर फॉर रिमेंबर। टैलेंट, एलिगेंट, एडमायर, कैरिंग, हार्ड वर्किंग, एम्फोसाइज एंड रिमेंबर, थैंक यू सो मच। मीनिंग काफ़ी अच्छा, और मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ मुझे ही है, टीचर्स लोग काफ़ी मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने में एंड ऑल, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो रहती है, उनको स्टडीज़ में रहती है एंड ऑल।
सो रिस्पेक्ट ऑल दी टीचर्स, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट किया है, अच्छा रिस्पेक्ट भी दिया है, वैल्यू भी किया है जो मैं बोलती थी सब कुछ, तो उनको मतलब बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, लाइक न हो कि टीचर को हाँ टीचर है ठीक है पढ़ा रही है जा रही है, नो उन लोग मुझे बाहर भी रिस्पेक्ट देते थे क्लास के बाहर भी. हैप्पी टीचर्स डे टू यू, आर द बेस्ट टीचर, यू टीच वेरी नाइस, आई लाइक माई टीचर वेरी मच. थैंक यू सारा, ये भी सारा ने दिया है, ये भी फिफ्थ स्टैंडर्ड की टीचर, फिफ्थ स्टैंडर्ड की स्टूडेंट ने ही दिया है. सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो हैंडमेड टीचर, हैंडमेड लेटर, इट्स नॉट, जस्ट बोलने में भी ये हो रहा है यार, मैं बता नहीं सकती. सो दिस इज़ अ हैंडमेड लेटर, ये पूरा हैंडमेड बनाया हुआ है एंड छोटे छोटे से फ्लावर लगा के लेस, मतलब मैं अगर जो देखा जाए तो मैं मेरे टीचर स्कूल टाइम पे, मेरे स्कूल टाइम पे जो मैं टीचर पढ़ती थी वहाँ पे भी इतना टीचर्स डे पे कुछ नहीं कर सकते, हाँ पेन दो ये दो कुछ ला के दो, पर जो एक फीलिंग रहती है ना जो बच्चे थोड़ी सी मेहनत करते हैं बनाने में एंड ऑल, उसमें बहुत ही अच्छी फीलिंग रहती है. टू माई डियर टीचर, यू आर टैलेंटेड, एलिगेंट, ऑसम, चार्मिंग, हेल्पफुल, एफिशिएंट एंड रिस्पेक्टिव. यहाँ पे भी टीचर का फुल फॉर्म लिख के दिया है और यहाँ पे भी पूरा फुल फॉर्म है. यू गाइड मी, सपोर्टेड मी, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, फ्रॉम अंसारी सफिया. ओ आई रिमेंबर दिस स्टूडेंट, ये एक्चुअली ये एक ऐसी स्टूडेंट थी, उसका न्यू एडमिशन हुआ था और वो स्कूल में आना ही नहीं चाहती थी, वो उसी स्कूल से थी पर वो ना थोड़ी उसको अटेंड ही नहीं करना था स्कूल, तो उसके काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, उसके पेरेंट्स भी आए, मुझसे बात किए, तो हम लोग, मैंने स्टूडेंट से बात की, सफिया से बात की एंड आई जस्ट इट्स शफिया, मैंने उससे बात करी कि कोई आपको परेशान कर रहा है कर रहा है, तो फिर उसने बोला नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर बाद में वो ज़्यादा अच्छी लगी एंड शी स्टार्टेड लविंग दी क्लासेस, और जो स्कूल में आना उसे अच्छा लगता था बहुत कुछ एंड वो स्माइलिंग फेस से आती थी, नहीं तो वो हर टाइम पूरे क्लास में सिर्फ रोती रहती थी, तो वो एक उससे बहुत अच्छा हुआ. थैंक यू सो मच, आई होप मैं काम आई आपके, मतलब मेरा तो काम ही था, जॉब ही था वो करने का, बट हेल्पिंग एंड सपोर्टेड यू कि आप क्यों नहीं आना चाहते उसके लिए, मुझे वो बहुत अच्छा लगा. तो ये मुझे दिया है राबिया ने. टू इफ्रा मिस, फ्रॉम राबिया, हैप्पी टीचर्स डे. आई डोंट नो ये मुझे फिफ्थ स्टैंडर्ड ने दिया है कि सिक्स्थ स्टैंडर्ड ने दिया है. तो ये भी हैंडमेड है, क्यूट लिटिल हैंडमेड वाला, क्यूट लिटिल ये बड़ा है पर ऑब्वियसली सब यार लिटिल लिटिल ही थे. Happy Teachers Day to you, Miss, and you are the best teacher in class. I like my maths miss very much. Thank you so much. Even I also was loving to teach the maths subject because maths बहुत ही थोड़ा बहुत hectic बोल सकते हैं पर चल था. और ये जो मुझे letter मिला था ये मुझे actually ऐसे इसमें आया था जो वेडिंग कार्ड्स में थे, तो उसने मुझे इसमें से बनाया, ये मुझे सिक्स स्टैंडर्ड नहीं दिया था एंड शी वाज दी बेस्ट स्टूडेंट मैं बोल सकती हूँ. सब अच्छे थे पर ये जो स्टूडेंट थी जब मैं नई नई वहाँ पे लगी थी ना तो मुझे बताती थी कि मैम की वहाँ पे प्रिंसिपल के ऑफिस में है बिकॉज सब टीचर्स बस अपने अपने उन लोगों का क्लास चालू हो जाता तो वो चले जाते थे तो कोई किसी को मिलता नहीं था और मुझे पूछने भी नहीं मिलता था. तो शी वॉज दी स्टूडेंट अमीना नगानी ने ये मुझे लेटर दिया था. तो शी वॉज दी स्टूडेंट जो मुझे बताती थी मैम पीपीटी के लिए कीज़ प्रिंसिपल के कैबिन में है, मैम हम लोग का यहाँ तक पढ़ के हो गया बिकॉज जो मैं जब लगी थी बेसिकली तो जो एक्स टीचर पहले की टीचर थी वो छोड़ के गई थी तो उसको मुझे कंटिन्यू करना था, तो वो मुझे बताती थी मैम हमारा ये पोर्शन यहाँ तक हो चुका है आप इसके आगे कंटिन्यू कीजिए मैम आप लोग मुझे बताइएगा. शी वॉज ट्रूली हेल्पफुल फॉर मी, बहुत हेल्पफुल थी मुझे सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज फिफ्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए मुझे उतना मालूम था कि कहाँ तक हुआ है कहाँ तक नहीं, और सिक्स स्टैंडर्ड के लिए मुझे नहीं मालूम था. तो और वहाँ पे एक और टीचर थी जो लीव पे थी तो ऑन बिहाफ उसके भी मुझे थोड़ा बहुत देखना पड़ता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. शी वॉज़ हेल्पिंग मी वेरी ट्रूली. टू इफ्रामिस, फ्रॉम अमीना नगानी, तो उसने भी हैंडमेड लेटर दिया है. इफ्रामिस, अल्लाह शोज़ यू हिज साइंस सो दैट यू मे यूज़ योर इंटेलेक्ट, गॉड ब्लेस यू. तो बेसिकली ये जो लेटर था उसने मुझे एक और लेटर दिया था वो शायद मैंने कहीं और रख दिया है,
लव यू मिस। तो ये मुझे लेटर उसने जब दिया था जब मैं वहाँ से जॉब छोड़ के जा रही थी, या जब मैं वहाँ से जॉब छोड़ मैंने टीचिंग छोड़ दी थी वो स्कूल से, तो मुझे उसने वो लेटर दिया था। एंड आई मिस यू आमिना, सो गॉड ब्लेस यू। आप खुश रहो, अच्छे से तरक्की करो और आगे पढ़ो अच्छे से, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, अपने करियर को फ्यूचर लेके जाओ। तो ये बेसिकली इतने से थे। कुछ और भी चीज़ें थे, जैसे कि मैंने बोला ना किसी ने मुझे ईयरिंग्स दिया, तो वो मेरे ज्वेलरी कलेक्शन में, अगर जब मैं कभी ज्वेलरी कलेक्शन आपके साथ शेयर करूँगी ऑब्वियसली बताऊँगी, तो इसमें से मेरे स्टूडेंट ने मुझे क्या दिया। तो मैं और भी थोड़ी सी कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे सब एक साथ मिला था, जो क्या बोलते हैं, मैंने जो सब संभाल के रखा था उसमें मिला था। तो ये बेसिकली पोएम है, ये मेरी स्कूल टाइम की है। तो बेसिकली दिस इज़ दी पोएम, इसमें बाय इफ्रा लिखा हुआ है। तो सॉरी ये मैंने नहीं लिखा हुआ है, ये मेरी फ्रेंड ने लिखा हुआ है स्कूल टाइम पे। आई डोंट रिमेम्बर ये किसने लिखा हुआ है, प्रियंका ने लिखा था कि धनुश्री ने लिखा था, पर इट्स अबाउट दी फ्रेंडशिप। मैत्रीन मैत्रीन असावी, प्रेम करनारी, प्रेमाच्या आठवणीने उजाला देणारी, दुःखात साथ देणारी, आनंदात सहभाग्य होणारी मैत्रीण असावी, निस्वार्थ वृत्तीची। तो बहुत लंबी पोएम है फ्रेंडशिप के ऊपर, तो मैं कभी आपको नेक्स्ट टाइम सुना दूँगी, या फिर मैं मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसकी आईडी भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और स्क्रीन पे भी आता रहेगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। और मेरे कुछ स्कूल टाइम के, मेरे स्कूल टाइम के मेमोरीज़ में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बेसिकली ये ड्राॅइंग पिक्चर्स है, तो ये ड्राॅइंग पिक्चर्स है तब आई थिंक सो मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, या आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड। तो ये ड्राइंग था, ये हमारे क्लास स्कूल में ना एक राजेश सर थे जो आर्ट सिखाते थे, तो बेसिकली उनकी ड्राइंग कंपैरिजन करेंगे ना तो ये उतनी भी अच्छी नहीं, ही वॉज ही प्रोफेशनल। तो उन्होंने हम लोगों को बोला था कि ऐसी कुछ पिक्चर निकाल दो सेम, तो ही हैज़ हेल्प मी थोड़ा बहुत इसमें, थोड़ा सा स्केचिंग वगैरह करने में, बिकॉज तभी तो बच्चों को इतना आता नहीं था ना, क्योंकि हर साल नया आता था। तो ही हैज़ हेल्प मी, और मुझे 10 में से 5 ही दिए थे बिकॉज मैंने उनकी हेल्प ली थी, इसीलिए सर लोग मालूम है ना, तभी सर थे हम लोग के आर्ट्स के लिए। एंड दिस वाज इन माय 7th स्टैंडर्ड, या ये मेरे 7th स्टैंडर्ड में था ग्रीटिंग, और इसमें मुझे 10 में से 7 मिले थे। और ये जो डिज़ाइन है ये मुझे मेरी सिस्टर ने हेल्प किया था निकालने में, बिकॉज मैं ड्राॅइंग में बहुत अच्छी हूँ, यस, क्योंकि मुझे ड्राइंग इतनी अच्छी आती नहीं है, तो ये मुझे मेरी सिस्टर ने हेल्प किया था। इवन कलर चूजिंग में भी उसने ही हेल्प किया था, आई कैन से कलर भी उसी ने करके दिया था, या कलर भी उसी ने करके ही दिया था बिकॉज मुझे नहीं आता था, फिर भी मुझे 7 मिले थे, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और ज़्यादा मार्क्स दे के हर किसी को खुशी होती है। एंड इसके बाद एक और नेक्स्ट सेमिस्टर में मुझे ये मिला था कि मार्केट बनाना है। तो सच बोलूँ, आप देख लो ठीक से, मैं ड्राइंग में इतनी कच्ची थी, ये ड्राइंग मैंने बना ही नहीं, ये मैंने मेरी एक फ्रेंड थी उसके सिस्टर से बना के ली थी, आज़मीना दीदी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच ये वीडियो, मतलब ये ड्राइंग बनाने के लिए। मुझे इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे बिकॉज मुझसे भी ज़्यादा अच्छे लोगों ने, स्टूडेंट्स ने वहाँ पे बनाए थे, तो फिर इतना उनको ये नहीं लगा, बट आई वॉज़ हैप्पी कि मुझे 5.5 मार्क्स मिले थे इसके अंदर 10 में से। तो दिस वॉज दी मार्केट, तो उन्होंने बनाया था कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल, ये सब कुछ उन्होंने बना के दिया था, बिकॉज मैं ड्राइंग बहुत कच्ची है, मैं मेरी जर्नल्स तक मैं ड्राइंग नहीं कर पाती थी बिकॉज बहुत कच्ची होती थी। या तो सर को ना ऐसा कुछ चाहिए था, उन्होंने ऐसा कुछ किया था, बट उन्होंने बोला था कि यू कैन यूज़ दी कलर्स, तो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो बस यही था मेरी स्कूल टाइम मेमोरीज़, कुछ मेरी टीचिंग के टाइम की मेमोरीज़ है, कुछ मेरे स्कूल टाइम की मेमोरीज़ है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ, और थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा प्यार दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और आप मेरे सब्सक्राइबर में से अगर जो कोई टीचिंग करता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप अपनी मेमोरी बताइएगा कि कैसा लगा आपको, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, या फिर आप कंटिन्यू कर रहे हो, या फिर सो कुछ भी आपकी जो स्टोरी हो, या फिर कुछ भी आपको रिकॉल होता है ये सब देखने के बाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।